हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं सक्सा बनाने। सक्सा कहते हैं चने की जो सूखी भाजी होती है उसको हम सक्सा कहते हैं। वो जब सर्दियों में आती है उसको काट के और धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको गर्मियों में बनाया जाता है। इससे लू लपट नहीं लगती है, बहुत ही ठंडा होता है। ये जून के महीने में हम अक्सर बनाया करते हैं। तो अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बनाते हैं सक्से की भाजी। और थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी। और हाँ, आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हो ना तो सब्सक्राइब करते हो चैनल को और ना लाइक करते हो। मैं भी इतने गर्मी में वीडियो शूट करती हूँ कि पूरे पसीने से गीली हो जाती हूँ, तब भी वीडियो बनाती हूँ मैं गर्मी में। आप लोग जानते हैं किचन में कितनी गर्मी लगती है, तब भी मैं वीडियो जारी रख रही हूँ बनाने। उसमें लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, कर देना। तो हम ये बनाने जा रहे हैं चने की सूखी भाजी, और इसको सक्सा भी कहते हैं हमारे यहाँ। और चलो बनाते हैं। ये चने को, चने की जो भाजी होती है इसको सुखा के धूप में, फिर इसको गर्मियों में बनाया जाता है। चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करते हैं। तो इसमें मैंने 2-3 गिलास पानी डाल लिया है। अब ये 10 मिनट ऐसे ही भीगा हुआ रखा रहेगा, और जब ये थोड़ा फूल जाएगा तो इसको निचोड़ कर बनाते हैं। तो मेरा ये सक्सा फूल गया है, सूखी भाजी। अब हम इसको निचोड़ लेते हैं। 10 मिनट मैंने इसको पानी में भिगा कर रख दिया था। इस तरह से आप हल्का हल्का निचोड़ लो। सो मैंने ये दो वाले मग मैंने पानी इसमें डाल लिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम डालेंगे चने की दाल। जब ये हल्का पानी गुनगुना हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अपनी चने की दाल। सो हमने ये चने की दाल मैंने धो ली है, आधा कप ले लिया था चने की दाल, धुल को धुल के और इसमें डाल दिया है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे। सो मैंने 5 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं इसको खोलकर। तो चने की दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसको हम देखेंगे दबाकर। इसको हल्का इसमें पकता है ये, और फिर हल्का ये भाजी डालने पर पकता है चना। तो अभी ये पका नहीं है, अभी लगभग इसको 10 मिनट और पकाना पड़ेगा। तो हम इसको फिर से ढक देते हैं। चने की दाल मेरी 10-15 मिनट में ये पक गई है। इसको अब निकाल कर इसको दबा कर देख लेते हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता पकने में, अब ये दब रही है। तो अब इसमें हम सूखे चने की भाजी जो हमने पानी से निचोड़ के रखी थी, अब इसमें हम डाल लेते हैं। इसको बस इसको भी अब 10 मिनट पकाएंगे। अभी इसमें बेसन का घोल डालेंगे ऊपर से। सो मैंने आधा कप से भी कम, सो हमने आधा कप से भी कम ये बेसन ले लिया था। अब इसको पानी से घोल लेते हैं और इसमें भाजी में हम डालते हैं। तो मैंने ये उंगली से ही इसको ऐसे घोल लिया है पानी से। अब इस भाजी में ये जाएगा। इसको बनाने से गर्मियों में ही ये बनता है,
सर्दियों में ये सुखा लिया जाता है जब ये भाजी आती है चने की, गर्मियों में इसको बनाते हैं। इसको खाने से लू लपट नहीं लगती है, बहुत ही फायदा करता है गर्मियों में ये। सो हम इसको वैसे चला लेते हैं, इसका पानी अपने आप ये टपकना बंद हो जाए तब ये पक जाएगा। जब तक ये मेरी भाजी पक रही है तब तक मैंने दो हरी मिर्चा काट लिए हैं, 8-10 लहसुन काट लिए हैं और थोड़ा सा अदरक किस लिया है। अब बस इसको जब ये पक जाएगी तब इसका तड़का लगाएंगे। अब इसमें हम डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। आप चाहो तो जब ये चने की दाल पानी में पक रही थी तभी आप इसमें नमक डाल सकते हैं। हाँ, सो इसको बीच बीच में इस तरह से आप चलाते रहो क्योंकि इसमें बेसन लगा है तो ये लग सकता है तली में, तो इसमें बस इसको बीच बीच में चलाते रहो। अभी इसमें पानी है तो अभी ये पका नहीं है, बस ये अभी 5-7 मिनट में पकने वाला है। अब इधर मैंने ले लिया है एक कच्चा आम, अब हम इसमें आम डाल देते हैं। इसमें आम जरूरी रहता डालने में और ये भी इसमें पड़ जाएगा, अच्छा खट्टा हो जाएगा। ये हल्का खट्टा ही रहता है, अच्छा लगता है खाने में और इससे लपट भी नहीं लगती है लू लपट। बस आम डालने के बाद बस 5 मिनट और पकाना है इसको और बस ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे हम तड़का। तो अब ये हमारी भाजी बन गई है और इसको सक्सा भी बोलते हैं। ये देखो कुछ सक्सा इस तरह से रहना चाहिए, पानी इसका नहीं टपकना चाहिए। आम डालने के बाद इसका पानी एकदम सही एडजस्ट हो गया इसमें, अब इसमें पानी नहीं रहा, अब ये बन गया है। तो अब इसी में हम डाल लेते हैं 2 चुटकी हींग। हींग बस इसमें ऐसे ही मिक्स कर दो और कुछ हींग जाएगी तड़के में, इसको भी मिक्स कर देते हैं। सो हमने ले लिया है ये वाला चम्मच, थोड़ा खाली रखा है सरसों का तेल और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, फिर डालेंगे उसके बाद हींग और लहसुन मिर्ची और अदरक। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ा सा हल्का धुआं निकलने लगे तो तेल गर्म हो जाता है। इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरा चटक जाए तो बस 2 चुटकी हींग और हींग के बाद डालेंगे लहसुन, लहसुन के बाद डालेंगे हम अदरक, ये मैंने किस लिया था अदरक को। और अब इसको थोड़ा चलाते हुए थोड़ा सा बस पक जाए 30 सेकेंड, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चा। तो इससे मिर्ची जलती नहीं है बाद में डालने से, नहीं तो पहले डाल दो तो मिर्ची जल जाती है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चा। मसाला इस तरह से बस भून चुका है तब हम इसमें डाल देते हैं अपनी भाजी। अब इसमें हम डालेंगे धनिया। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए से। ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है भाजी, जिसको हम सक्सा भी बोलते हैं। ये देखो मेरे बनके हो गई है गर्मियों की ये भाजी सक्सा, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बच्चे को तो नहीं पसंद है ज़्यादा, लेकिन ये हम लोग खाते हैं, इसको खाने से लू लपटने लगती है। आप लोग कमेंट में बताना ये कैसी लगी, आप लोग भी इसको ट्राई करना।
तो ये भाजी को आप उसकी चटनी के साथ खाइएगा, आम की चटनी के साथ। ये बहुत ही अच्छी लगती है और ये गर्मी में लू लपट से बचाती है। और अपना सलाद ले लो बस, आम की चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू सो मच।